तो गोंडार से हम लोग निकल गए हैं, अभी 8:20 हो रहा है और हमें लगभग 40 मिनट यहाँ रुके। हम लोग ब्रेकफास्ट वर्स किया आराम से, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एज़ पर कैलकुलेशन अभी हम लोग ठीक टाइम से चल रहे हैं, क्योंकि अभी 8:20 हो रहा है सुबह के, तो हो सकता है टाइम से पहुँच जाए मंदिर। ट्रैक का इंटरेस्टिंग पार्ट, गोंडार से कुछ दूर के बाद ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा और फिर ये पूरा ऊपर तक चढ़ना है हमें। रास्ता दिखाई दे रहा है तो अब चढ़ाई आएगी धीरे धीरे, बढ़िया पहाड़ पर चढ़ने वाली। वहाँ तक तो दिखाई दे रहा है मुझे, उसके आगे का नहीं दिखाई दे रहा है, उसके आगे कट कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रहा है। मधुगंगा इस नदी का नाम है, अब जो अगला स्टॉप होगा बड़ा वो पड़ेगा नानू, 3 या 4 किलोमीटर बाद है, और फिर नानू के बाद 6 किलोमीटर के बाद मधुमेश्वर मंदिर है। तो वो गोंडार, गोंडार से आप आते हैं लोअर बंतोली, लोअर बंतोली से आप आते हैं अपर बंतोली, दोनों सारी जगहों पे रहने के लिए अच्छे अच्छे पक्के पक्के मकान हैं, तो रुद्रनाथ खीरा नहीं है, तो यहाँ पे आप अच्छे बने हुए मकानों में रह सकते हैं अगर आपको कहीं रास्ते में रुकने का मन करे तो, या फंस जाए तो आप गोंडार में भी रह सकते हैं, लोअर बंतोली में भी रह सकते हैं, अपर बंतोली में भी रह सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नानू के लिए, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर से कुछ बचा होगा, फिर आगे मिलते हैं। बंटोली से हम लोग चले थे और बंटोली के बाद एक बीच में खड़ा जगह, खरहड़ा कोई जगह नाम है वो पड़ेगा, उसके बाद ऊपर सीधे अभी 1.5 किलोमीटर नानू है, लेकिन चढ़ाई लगातार है बंटोली के बाद से, ये जगह भी प्लेन नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे। और हम लोग पहुंच गए नानू, सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई, और 11 बज रहे हैं, यानी कि 5.5 घंटे लग गए नानू आने में। ये नानू स्पेशल जगह, काफी देर से सुनते नानू से ऊपर चल रहे हैं, सिर्फ खड़ी चढ़ाई है, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि लोअर बंतोली से आपकी सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई है, कहीं भी आपको प्लेन या उतरने का मौका नहीं मिलेगा। तो पेशेंस बना के चलते रहें, आज बारिश थोड़ी जल्दी मिल गई है, लेकिन हल्की बारिश है तो चलने में दिक्कत नहीं आ रही है। बीच में रेनकोट निकाला था लेकिन रेनकोट की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा, पसीना ज़्यादा होने लगा, तो मैंने रेनकोट उतार दिया। ठीक है, अभी तो चल रहा है, बढ़ते हैं आगे। ये है मैखंबा, नानू से 1 घंटे की दूरी है, और यहाँ से जंगल स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद जो है वो ट्रैकिंग जो है उसी जंगल जंगल के अंदर से जाएगी। ये है मैखंबा,
ये व्यू आपको रास्ते भर ट्रैक में मिलता रहेगा। तो ये कुन्नू चट्टी है और कुन्नू चट्टी में हम पहुंच गए 1:30 बजे और ये चढ़ाई ऊपर सीधे सामने। बारिश अभी भी हो रही है हल्की हल्की, लेकिन धूप भी है। तो पढ़ते हैं आगे और ये पहुंच गए मधुमहेश्वर। तकरीबन हम लोग को 9.5 घंटा लग गए। 9.5 घंटे में मधुमहेश्वर। वो देखो ऊपर।